खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। राजगढ़, मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के ब्यावरा शहर में कांग्रेस के लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन रेलवे स्टेशन रोड पर किया गया। सम्मेलन में दिग्विजय सिंह, लक्ष्मण सिंह, प्रभारी मंत्री जयवर्धन सिंह, ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह, विधायक बापू सिंह तंबर, गोवर्धन दांगी सहित कई बड़े नेता व पदाधिकारी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में पार्टी से पर्यवेक्षक भी आए हुए थे। कार्यक्रम में पधारे जिले व लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया गया व मंच पर नजारा कुछ अलग देखने को मिला। मंच पर दिग्गी के साथ भगवा रंग के कपड़े में बाबा व साध्वी एक साथ नजर आए। अपने उद्बोधन में दिग्विजय सिंह ने जिले के दो मंत्री को घोड़ा बताया और खूब दौड़ने की बात भी कही। इस बीच दिग्गी ने दोनों घोड़ों की कमान लक्ष्मण सिंह के हाथ में रहने की बात कही और कमान नहीं करने पर चाबुक होने को कहा। क्षेत्र के जितने भी पूर्व विधायक हैं कांग्रेस के, हमारे सभी, वो सभी मंच पर आने की कृपा करें और इस मंच को सुशोभित करें। पेमेंट 2000 रुपए क्विंटल से होगा, ये जवाबदारी हमारी है। कहीं गड़बड़ी होगी तो प्रभारी मंत्री जी देखेंगे, दोनों मंत्री जी देखेंगे और छोटे साहब के पास तो चाबुक है, कभी घोड़ों पे लगाना कभी। इसलिए आप सबसे यही प्रार्थना है, आज हमारे बीच में डंडा वाले महाराज भी मौजूद हैं, आपके चरणों में नमन महाराज, जय हो आपकी पचो के। डंडा वाले महाराज की जय। और हमारी साध्वी जैन भी हमारे पास है, साथ में खट बैठी हुई है, जिनका तेजस्वी भाषण आपने सुना। लेकिन बहन, मेरी आपसे ये प्रार्थना है कि राम जी के नारे में सीता को जी को क्यों छोड़ देती है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर असली मुद्दों से हटने और बचने का आरोप लगाते हुए रविवार को कहा कि वहां राजनीतिक फायदा उठाने के लिए लोगों की भावनाओं से खेलने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व मुख्यमंत्री एवं भोपाल संसदीय सीट से उम्मीदवार श्री दिग्विजय सिंह ने राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन एवं प्रशिक्षण शिविर में बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री पिछले 5 साल के दौरान अपने सरकार की उपलब्धियों पर चर्चा करने से बच रहे हैं। उनके शासनकाल से भारतीय अर्थव्यवस्था बिगड़ गई है और तमाम संकेत तक इसकी गवाही दे रहे हैं। निर्यात का स्तर 2014 के समान है और पूंजीगत निर्माण नहीं हो रहा, वहीं उद्योग कारखाने बंद हो रहे हैं। मोदी ने जो वादे किए थे, जैसे भ्रष्टाचार खत्म हुआ नहीं, काला धन वापस आया नहीं, जनधन योजना के खाते खुलवाकर 15 लाख रुपए हर खाते में देने का वादा किया था, वह भी असफल रहा। आधार कार्ड का विरोध किया और युवाओं के लिए आज रोजगार नहीं है। साथ ही भोपाल लोकसभा व राजगढ़ लोकसभा सीट जिताने का संकल्प लिया। कार्यक्रम खत्म होने के बाद दिग्विजय सिंह ने हाईवे ट्रीट पर प्रेस वार्ता की, जिसमें मीडिया के सवालों का जवाब भी दिया। उसके पास बुद्धि नहीं बची। राहुल गांधी डर गए क्या, जो दो जगह से चुनाव लड़ेंगे, एक अमेठी और दूसरा केरल का वायनाड? किसने कह दिया? नहीं, वो एक सीट क्या अपनी सुरक्षित रखना चाहिए। किसने कह दिया? नहीं, आज ये वायरल केरल की जगह हमारे वहाँ से चुनाव। वायरल बात छोड़ दीजिए, वायरल तो बीजेपी करती है, थोड़ी करता है वायरल। अब 18-19 साल बाद आप लोकसभा का पहला चुनाव लड़ रहे हैं, किस तरह का अनुभव कर रहे हैं, वो भी अपने क्षेत्र से हट के? मुझे कब से आप जानते हो मोहन बाबू? कब से जानते हो जी? मुझे कोई अंदर दिखा सर? मुझे कोई अंदर दिखा? चौकीदार वर्सेस महाराजा का जो कैंपेन बना रही है बीजेपी, इस पर आप क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, ये मुद्दे से ध्यान हटाने का प्रयास। अरे बेरोजगारी पे क्यों नहीं बोलते, नोटबंदी पे क्यों नहीं बोलते, जीएसटी पे क्यों नहीं बोलते, नौकरियां चली गई उस पर क्यों नहीं बोलते, किसानों की बदहाली पर क्यों नहीं बोलते? मुद्दों से ध्यान हटाना ही रणनीति है। जिनकी कोई चर्चा नहीं करना चाहता उस पर ही लाभ करेगा। अभी आपने आपका आप स्टिंग ऑपरेशन है हुआ है, वीडियो है, आपको भेज दूं। पर समय जगत के लिए ब्यावरा से कामेश नामदेव की रिपोर्ट। पर समय जगत, एक संदेश पूरा देश।